इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50वें योम तासीस के मौके पर जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसागाह और स्टेज को पार्टी बैनर से सजा दिया गया, बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गईं। मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। रोज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारकुनान का कहना था कि ये शहीदों की पार्टी है, हमारा जोश खरोश भी किसी से कम नहीं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, जेलों के लिए, जेलियों के लिए आज ईद का समय है। आज रात हमारी चांद रात है, सुबह हमारी ईद है। बिलावल भुट्टो सरदारी जनाब इस्लामाबाद में पहली बार तशरीफ ला रहे हैं, ये हमारे लिए ईद से कम नहीं है। और गोल्डन जुबली इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए तजदीद है बीबी शहीद के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ। मोहतरमा बेनजी भुट्टो की निशानी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो सरदारी का भरपूर तरीके से यहाँ पे हम इस्तकबाल करेंगे। आवाम जो है इस वक्त सर्दी के अंदर सब इंजॉय कर रहे हैं, सब कल के दिन का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और ये जलसा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का अजीमुलशान जलसा होगा। जलसा अजीमुलशान होगा और तमाम जो मुखालफीन हैं वो सब देखते रह जाएंगे इस तरह का। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम सब जियाले अपना पुरजोश। जिला राजनपुर के जाले सैकड़ों पर हजार किलोमीटर के फासले को तय करके जलसा गाह पहुँच गए। उनका कहना था कि ये जलसा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है, ये शहीदों की, हमारा चेयरमैन साहब आएगा, वो मुखालफीन को बताएगा पीपल्स पार्टी पंजाब में आज भी जिंदा है, ये गरीबों की पार्टी है, शहीदों की पार्टी है। जलसा गाह में कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स करती हुई नजर आए। शक्करपड़िया का ये ग्राउंड एक दफा फिर बनने जा रहा है सियासी मैदान। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनान का जोश खरोश दीदनी है। अब देखना यह है कि ये कारकुनान इस जलसे को किस हद तक कामयाब बनाएंगे। कैमरामैन मौलिक इरफान के साथ अदील मुमताज, रोज न्यूज़।